हेलो वेलकम बैक, यू आर वाचिंग मैथमेटिक्स क्लास ऑन एक्सरसाइज पेरीमीटर एंड एरिया। ओके, सो दिस इज माय सेकंड पार्ट। ओके, सो दिस इज द आई हैव रिटन द टू क्वेश्चन ऑन अ व्हाइट बोर्ड। सो लेट्स सी व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन नंबर 5A। सो हियर द क्वेश्चन नंबर 5A इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें रेक्टेंगल का एरिया बता दिया कितना, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर। इसका ब्रेथ कितना दे दिया, 12 सेंटीमीटर दे दिया। तो आपको बोला गया कि फाइंड इट्स लेंथ, इसका लेंथ कितना होगा ये आपको निकालने के लिए कहा गया है, और आपको ये भी कहा गया कि इसका पेरीमीटर कितना होगा। ओके, तो हम सवाल शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि हमारे पास क्या क्या है और क्या निकालने को कहा गया है। तो मैं तो बोलूँगा मेरे पास पहले क्या है, ये क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है मेरे पास, 168 मीटर स्क्वायर, ये गिवेन है। फिर आ जाओ और मेरे पास क्या है, ब्रेथ है, यानी कि बी कितना है ये, 12 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद मुझे निकालने को क्या कहा गया, लेंथ। हमारे पास लेंथ नहीं है, तो लेंथ को हमने क्या मान लिया, क्वेश्चन मार्क। और क्या कहा गया निकालने के लिए, पेरीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर को मैंने क्या मान लिया, पी, ये भी हमें नहीं मालूम है। तो हम सबसे पहले किसको लेके चलेंगे, एरिया को लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो हमें मालूम है कि वी नो एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही हमारा फॉर्मूला है। अब आप देखो ये एरिया कितना है, देखो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ हमें मालूम नहीं है, ये ब्रेथ हमें मालूम है कितना, 12 सेंटीमीटर। अब आपको ये पता चल गया हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। ये जो 12 सेंटीमीटर है ये राइट से कहाँ जाएगा, लेफ्ट में, यहाँ इनटू है, जब वो लेफ्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करते हो तो देखोगे आपके पास क्या आएगा, आंसर चेक कर लेते हैं, 12 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर कट जाएगा, आप अगर इसको काटाकुटी करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा लेंथ इक्वल टू 12 × 1 = 12, 12 × 4 = 48। तो ये आपका क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा। पर ये मैंने अभी क्या निकाला, लेंथ निकाला। अब क्या निकल जाएगा, लेंथ निकालने के बाद फिर हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालना है। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नाओ क्या लिखेंगे, टू फाइंड इट्स पेरीमीटर। हमने अभी लेंथ निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होगा, इससे पहले भी आपने सवाल किए थे। तो फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर इक्वल टू 2 विद इन ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, तो पेरीमीटर हमें मालूम नहीं है, लेकिन लेंथ हमें मालूम है कितना, 14 सेंटीमीटर, और ब्रेथ हमारे पास कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो आप देखोगे दोनों को प्लस कर दो कितना आ गया, 26 सेंटीमीटर, 26 को 2 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, 52 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने लेंथ और पेरीमीटर दोनों निकाल लिए, क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। देखो यहाँ पे क्या बताया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द रेक्टेंगल। आपको पहले ही बोल दिया कि इसमें जो ये जो स्क्वायर है और ये क्या है, रेक्टेंगल है। ओके, ये स्क्वायर तो ये क्या है, रेक्टेंगल। तो मैंने यहाँ लिख दिया स्क्वायर, यहाँ हमने लिख दिया रेक्टेंगल। ओके, अब देखना कि क्या क्या दिया। पहले बोला कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मतलब दोनों का जो पेरीमीटर है, सम टोटल जो लेंथ ऑफ बाउंड्री है, वो दोनों का क्या है, इक्वल है। लेंथ दे दिया 13 और ब्रेथ दे दिया कितना, 13। चेक करते हैं लेंथ कितना दिया बच्चा, लेंथ दिया 15। ओके, तो लेंथ कितना दे दिया, 15 दे दिया है, और ब्रेथ कितना दे दिया, 13 दे दिया है। तो किसका दिया है, ये रेक्टेंगल का। तो मैंने यहाँ लिख दिया लेंथ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू, लेंथ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। आप देखोगे स्क्वायर में ये जो साइड है, साइड तो हमें मालूम नहीं है, जब साइड निकलेगा तभी तो मैं इसका क्या निकालूंगा,
एरिया निकालूंगा किसका, स्क्वायर का। ओके, तो आपको पहले ही बता दिया, कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब आप देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बच्चा, 4 इंटू साइड, क्या है 4 इंटू साइड। तो क्या लिखेंगे, 4 इंटू साइड इक्वल टू रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 विद इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, अब आप देखो मेरे पास क्या नहीं है, साइड नहीं है, लेकिन मेरे पास लेंथ और ब्रेथ दोनों है। ओके, अब आप देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 इंटू क्या साइड इक्वल टू 2, इसको मैं दोनों को प्लस करूँगा कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 28, मैं इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, 56 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि 4 जो यहाँ पर है लेफ्ट साइड में, अगर मैं लेफ्ट को राइट में ले जाऊँ तो वहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए फिर मैंने मल्टीप्लाई करना उचित नहीं समझा। तो मुझे पता कि 4 यहाँ आएगा, काट दो कितना आ गया 7 आ गया, कितना जल्दी निकल आएगा। ओके, तो हमारा क्या आंसर आ गया साइड का 14 सेंटीमीटर। ओके, लेकिन ये तो हमारा क्या निकल गया, साइड ऑफ स्क्वायर, ये साइड मेरा निकल गया। फिर कोई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिखा था आपको, इट्स एरिया, किसका एरिया निकालने को बोला, स्क्वायर का। अगर आप बोलते कि सर लेंथ का निकालना, तो लेंथ तो पहले ही निकल जाता मेरा 15 इंटू 13 निकल जाता, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जब पेरीमीटर स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों बराबर है, बाद में बोला इट्स एरिया, तो आप समझ लीजिएगा कि ये एरिया मुझे किसके बारे में निकालने के लिए कहा गया है, स्क्वायर का। तो स्क्वायर का अब यहाँ पर लिख देते हैं, टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हमें मालूम है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इनटू साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर। आप अगर इसको इनटू करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, देन यू हैव टू प्रैक्टिस एट होम। ओके, तो सी यू अगेन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।